फ्रेंड्स, मैं आज एक व्लॉग बना रही हूँ नाइट में। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ दिल्ली एमसीडी से, सो मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरी इस बात को सुनिए। सो मैं रहती हूँ विपिन गार्डन एक्सटेंशन, गली नंबर 38 में, वार्ड नंबर 113। 2 मंथ से हमारे यहाँ पर कूड़ा लेने वाली गाड़ी नहीं आई है, जिसको टिप्पर कहते हैं, जो कि कूड़ा उठाने का काम करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया जिसके लिए वो गाड़ी हमारी गली में आने। सो ये दिल्ली सरकार ने ऐप बनाया है MCD 311। इसमें हम हमारी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। अभी मैं इसको लॉगिन कर रही हूँ। सो ये जो आ रहा है ना नीचे कंप्लेंट्स, इसमें हम कंप्लेंट कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे। अब ये जो आ रहा है ना व्यू ऑल कंप्लेंट्स, यहाँ पे जो कंप्लेंट्स करी गई हैं उन्हें हम देख सकते हैं। सो मैंने क्लिक किया। अब ये मेरी कंप्लेंट्स हैं जो मैंने कंप्लेंट करी है, मैं आपको इन्हें खोल के दिखाती हूँ। ये मेरे कंप्लेंट्स हैं, इनमें मैंने फ़ोटोज ही डाली हैं जो कि हमें डालनी होती है, कंपलसरी होती हैं। अब मैं आपको वन बाय वन दोनों कंप्लेंट्स खोल के दिखाती हूँ। सो ये है मेरी फर्स्ट कंप्लेंट जो कि मैंने 7 जुलाई को डाली थी, एंड ये इसके कमेंट्स हैं, मैं आपको सारे ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कंप्लेंट डाली तो इन लोगों ने ये कंप्लेंट चंद्रेश कुमार शर्मा जी को असाइन करी, और उन्होंने ये किसी दूसरी गली का फ़ोटो, जो कि हमारी गली नहीं है, दूसरी गली का फ़ोटो डाल के बोल दिया कि ये कंप्लेंट अब क्लोज है, ये रिजॉल्व हो चुकी है। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने इसमें कमेंट्स किए कि आप मतलब ऐसे गलत फ़ोटो डाल के लिखते रहे हैं, और उसके बाद उनका ऐसे कमेंट आया कि ऑलरेडी रिजॉल्व है, इन्होंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं आपको अपनी दूसरी कंप्लेन दिखाती हूँ। मैंने वापस एक और कंप्लेन करी, ये मेरी दूसरी कंप्लेन है, मैं उसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसको मैंने किया था 15 जुलाई को, जो कि असाइन करी गई संजय कुमार को। उन्होंने वापस वही सेम फ़ोटो डाली और बोला कि कंप्लेन क्लोज है, जबकि वो दूसरी जगह की फ़ोटो थी। अब आप बताइए कि अब क्या किया जाए। होने के बाद भी उस ऐप से कोई काम नहीं हुआ, फिर हमारी दिल्ली सरकार ने एक कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर भी हमको दिया है, जो कि है 155305। फिर हम लोगों ने उस पर कॉल किया तो उन लोगों ने हमसे पूछा कि हमारा वार्ड नंबर बताएं। जब मैंने हमारा वार्ड नंबर बताया तो फिर वो लोग उन्होंने हमको एक और नंबर दिया और कहा आप लोग इस पर फ़ोन करो और ये आपकी हेल्प करें। और फिर वो जो नंबर उन लोगों ने दिया वो नंबर है 011-2542-2700। जब मैंने इस नंबर पर फ़ोन किया तो उन्होंने हमको एक नंबर दिया जो कि नंबर था हमारे इस रीजन का, हमारे वार्ड के सुपरवाइजर का। एंड जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने हमको नंबर दिया जो ये जो कूड़े वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिल रखा है उनके सुपरवाइजर को। एंड जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोलते कि जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों की इन समस्याओं को सुनने का। और ये चीज़ सुन के मैं उनको बोला थैंक यू सो मच आपसे बात करने के लिए। अब फिर मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने एक मेल लिखा MCD कमिश्नर को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो मेल क्या लिखा है। अब ये वो मेल है जो मैंने कमिश्नर को लिखा है। ये कमिश्नर सर की ID है। अब मैं आपको अपना मेल दिखाती हूँ जो मैंने मेन मेल लिखा है। ये मेरा मेल है जिसमें मैंने अपना एड्रेस लिखा है, अपना इशू लिखा है, फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स टिपर इज़ नॉट कमिंग इन गली नंबर 38 वेयर वी विल गो टू ड्रॉप गार्बेज। एंड ये मैंने अपना पूरा व्हाट आई डिड लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या किया, ये सब कुछ मैंने लिखा, नोट एवरीथिंग। एंड मैंने लास्ट में लिखा कि आई नीड योर इंटरवेंशन फॉर द सेम। एंड लास्ट में मैंने अपना डाल दिया थैंक्स एंड रिगार्ड संज्ञा सिंह एंड माय फोन नंबर। मैं एक 10 साल की लड़की हूँ, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया। अब आई होप कि MCD कमिश्नर सर मेरे मेल को देखकर उस पर कोई रिएक्शन लें, एंड अगर वो उसको देख के कोई भी कदम नहीं उठाते हैं तो मैं बस उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ही बताइए हमारे घर पर जो कूड़ा है, हम अगर उसको बाहर फेंकने जाएं तो उससे मैं क्या अचीव करूँगी, बाहर भी गंदगी कर दूंगी, जो गंदगी मेरे घर में थी वो बाहर हो जाएगी, तो अब आप ही बताइए हम लोग इस कूड़े को कहाँ डालें। मैं बस इतना जवाब चाहती हूँ MCD कमिश्नर से। और इसी के साथ अब मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।